हापुड़ में परिवहन विभाग की तरफ से यातायात सड़क सुरक्षा सप्ताह की शुरुआत की गई है, जिसमें जनता को यातायात नियमों का पालन करने की शपथ दिलाई गई है। बता दें कि हापुड़ में लोगों को जागरूक करने के लिए यातायात सड़क सुरक्षा की सप्ताह की शुरुआत तो हो गई है, जिसमें परिवहन विभाग यातायात के नियमों को तोड़ने वालों से जुर्माना वसूल रहा है। इस दौरान लोगों की जागरूकता के लिए परिवहन विभाग लोगों को यातायात के नियमों को भी जानकारी दे रहा है, साथ ही उन पर अमल करने की शपथ दिलाई जा रही है। हापुड़ एआरटीओ प्रणव झा ने बताया कि पहले बिना हेलमेट और बिना सीट बेल्ट लगाने पर 100 रुपए का चालान होता था, अब इस जुर्माने को 5 गुना बढ़ा दिया गया है और 500 रुपए कर दिया गया है। वहीं बिना ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन चलाने पर 1200 रुपए की जगह अब 24 रुपए वसूल किए जाएंगे और अगली बार फिर से बिना ड्राइविंग लाइसेंस के ड्राइविंग करते पकड़े जाने पर इस जुर्माने को 5000 रुपए कर दिया गया है। वहीं एआरटीओ प्रणव झा ने लोगों से अपील की है कि यातायात नियमों का पालन करें। लोगों को सड़क सुरक्षा के नियमों के प्रति जागरूक करने के साथ साथ जो मोटर व्हीकल एक्ट के तहत नए जुर्माने निर्धारित किए गए हैं उसके विषय में भी अवगत कराया गया। यथा सीट बेल्ट नहीं पहनने का जुर्माना पहले 100 रुपये हुआ करता था, वह 500 रुपये कर दिया गया है। हेलमेट नहीं पहनने का जुर्माना पहले 100 रुपया था, अब 500 रुपया किया जा चुका है। ड्राइविंग लाइसेंस के बगैर वाहन चलाने का जुर्माना पहले 1200 रुपया हुआ करता था, वो 2500 रुपये कर दिया गया है। इन सब के विषय में भी जानकारी दी गई ताकि लोग कोअर्सिव एक्शन के थ्रू भी अपनी बात उस तक पहुंचा सकें। साथ ही हमने लोगों का आह्वान किया कि वह अपने समाज के लोगों के बीच भी सबको इस बात के प्रति जागरूक करें कि वह जुर्मानों की खातिर नहीं, स्वयं की सुरक्षा की खातिर, अपने परिवार की बेहतरी की खातिर, अपने समाज की बेहतरी की खातिर अपने एटीट्यूड में रोड सेफ्टी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए लाइव टुडे।